आपने ये तो बोल दिया कि खुदा ने बड़ी फुर्सत से तब्बू को बनाया होगा, उनके बारे में कुछ बोल दो, उनको भी किसी ना किसी ने बनाया होगा। क्यों उनको किसी ने सामान मंगवा के असेंबल कराया होगा? देखो भैया, अंग्रेजों ने एक फिक्रा बनाया है लेडीज फर्स्ट, आप उसका इस्तकबाल करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में मेनन साहब जैसे एक्टर नहीं होते। आज ना तब्बू और केके सर को देख के लग रहा कि हमारी इंडस्ट्री जो अच्छी पली बड़ी है, मतलब ऐसे लंबे ऊंचे चौड़े और अच्छे एक्टर ये बड़े कम देखने को मिलते हैं। तब्बू, आप शबाना जी की नीज हैं और फरा आपकी सिस्टर, उन्होंने काफी सारी फिल्में की, आप फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपकी फैमिली में सिर्फ लेडीज को अलाउड है, जेंट्स को नहीं अलाउड करते? बहुत कंजर्वेटिव हैं, जेंट्स को अलाउड नहीं करते। इंडिया में जो भी आदमी एक्टर बनना चाहता है, मेरे जैसे जितने भी लोग नए नए आते हैं, सबका एक सपना होता है कि बच्चन साहब के साथ काम करें। केके सर ने बच्चन साहब के साथ दो फिल्में की हैं, तो जब आप पहली बार उनको फेस कर रहे थे, तो आपने कभी सोचा था ऐसे कॉम्बिनेट्स में? मुझे उनकी नजर में भी नहीं दिखी। नहीं, मैं सीरियसली पूछने जाता हूँ सर, क्योंकि मैं जब ऐसे एक्टर को देखता हूँ, बड़े एक्टर हैं, तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो उस समय क्या टेक्निक होती है सर? मैंने देखा आप दीवार फिल्म में, आप जो इन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर का किरदार निभाया पाजी, इतना जबरदस्त, तो उस समय क्या सोच के करते हैं आप? उस समय क्या हुआ था, प्रोमोज निकले थे उसके, तो उसमें एक शॉट था जहाँ पे मैं एक अल्सेशियन कुत्ते के साथ बैठा हुआ ऐसे करके, है ना, तो वो शॉट लगा हुआ था। तो मैं पृथ्वी थिएटर गया उसके बाद, तो किसी ने कहा कि यार, एक लड़की ने कहा, यार आई सॉ योर प्रोमो, हैंडसम डॉग, हाँ। दीवार की वही याद है। तब के आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार जोरदार तालियां। सर वैसे आपको ज्यादा मजा ये स्टेज पे आता था कि फिल्मों में आता है, सही सही बताइएगा। नहीं, स्टेज पे फिल्म, वो तो मैं, खैर मैं वाकई में दोनों मीडियम्स मुझे बहुत पसंद है। मजा स्टेज पे आता है, थिएटर पे आता है, लेकिन पैसे जो है ना वो फिल्मों में मिलते हैं। हाँ। पर ये भी तो है, जब ये पर्दे पे काम करते हैं तो करोड़ों लोगों के साथ मजा आता है, यहाँ पे तो हम लोग जितने लोग बैठे हैं वही है, हालांकि हमारा शो भी टीवी पे आता है। फिल्मों से ज्यादा टीआरपी आपके शो की है, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है, आप जैसे बड़े स्टार्स आते रहते तो चलता रहता है, पर मैं सच्ची बोलूं बहुत कमाल है आप। आप वैसे ही इतना शर्माती है कि वैसे ही सच्ची में सर ऐसे ही है ये? नहीं नहीं बिल्कुल, अभी जाकर मैं देख रहा हूँ शर्माती है। मतलब क्या मतलब? हाँ? वैसे मैं कैसी हूँ? आपको कपिल मीनिया हो गया है। सर आप बड़ी सटल एक्टिंग करते हैं, लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनको लाउड, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम उन चीजों को, जैसे डायलॉग है सनी बाजी का डायलॉग है कि दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, इसको आपने अपने तरीके से, जैसे के मेनन बोलते हैं। देखो, दूसरों को डरा के वो जीतता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ। तुम क्या चाहते हो, मैं कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकू, काट दूंगा मैं। पाजी आपको पता है तब्बू जो है, हाँ, जैसे मैंने बच्चन साहब का जिक्र किया, केके सर का, तब्बू, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो अगर खड़े रहे तो तीनों एक समान लगते हैं हाइट वाइज भी। तब्बू से मैं चाहता हूँ कि बच्चन साहब का डायलॉग बुलवाया जाए। तब्बू एक काम ही है, चीटिंग है सर। नहीं नहीं, आप ये थोड़ा ना कहेंगे मेरा नाम दीनानाथ वो नहीं। एकदम टेंशन हो गया आप। अरे टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं आपके पास आके बैठता हूँ, आपकी सारी गंदी हो रही थी नीचे से। जितना बॉर्डर पे खर्चा करते हैं हमने पूरे घर पे नहीं उतना खर्चा किया हुआ सिर्फ आपके शो के लिए। डायलॉग है,
कि आज मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास कपिल है। ये डायलॉग वहां से भी बोल सकता था तू। आपको क्यों जलसी हो रही है? ये बड़े चलाक है, इनकी बातों मत जाया करो आप। ये पता क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं मेरा सोफा वहां लगना चाहिए। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की आती फिर बोलते हैं मेरे को आज इधर बैठा दो, तू उधर से बोल। झूठ बोल रहा है सब कुछ। चलो जो झूठ बोलेगा उसी को कौवा काटेगा, मेरे का क्या है? शर्मा जी ये तो तब्बू आई है, तो दूरबीन तो बेकार गई फिर, क्योंकि जितनी ये लंबी है ये तो चश्मे से ही नजर आ सकती है। अभी आया तब्बू, मैं अभी आया। आओ चलो गिरना जाना। हेलो तब्बू, मैं छोटा सा चड्डू। ओए 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 सर, ये आपके आदि अमावस्या और पूर्णिमा क्यों है? तो पहले दूरबीन में केके साहब नजर नहीं आ रहे थे आपको? कहां से मतलब? अच्छा। और देखो जी, दूरबीन का फोकस सिर्फ लड़कियों के लिए सेट किया गया है। अंकल ये आधी मूछ काली क्यों करके बता क्यों रहे तब्बू को? हां बताइए ना। आधी मूछ काली? मेरी तो पूरे मूछे काली है, ये तो मैंने आधी मूछ सफेद सिर्फ तब्बू के लिए की है। ऐसे क्यों मना? क्योंकि चीनी कम के बाद सारी दुनिया को पता चल गया था कि इन्हें सीनियर सिटीजन बड़े क्यूट लगते हैं। पर इनको तो सीनियर सिटीजनशिप से रिटायर हुए अभी 25 साल हो गए। हाँ? दे दो बार बुड्ढे हो चुके हैं। पहली बार 70 के हुए थे, उसके बाद फिर और 25 जुड़े इनमें। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात यह है कि चीनी मुझमें भी बहुत कम है। यह देखो मैं अपनी रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ, इसमें भी शुगर कम आई है। चेक क्या ये? इनमें तो सारा कुछ ही कम है। हाँ। विटामिन ए टू जेड सारे कम है, दिमाग भी कम है आपका तो आ रहा है। यार तुम चुप करो, मुझे तब्बू से बात करने दो। तब्बू मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ, बस मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करो। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ डेब्यू फिल्म करूँ। आप बचपन, मेरे को समझ में नहीं चढ़ा साहब कैसी बातें करते हैं आप। तब्बू जब स्कूल में थी तब भी आप 77 साल के थे शायद। और आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया तब वो आपके साथ काम करेंगे? यार जब मैंने देखा पंकज कपूर इनके साथ फिल्में कर रहे हैं तब मेरा हौसला खुल गया। आपको पता है पंकज कपूर साहब कितने बड़े एक्टर हैं? कितने भी बड़े हों मुझसे 3-4 साल छोटे ही होंगे वो। मेरी बात सुनो अंकल, पंकज कपूर आपसे 3-4 साल नहीं 37 साल छोटे हैं, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। और आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे, और वो भी इसलिए काम किया, उन्होंने स्टोरी की डिमांड थी ना वो। अच्छा स्टोरी की डिमांड? डिमांड है, आम इंसान की कोई डिमांड नहीं है। तुम सिर्फ हाँ कर दो, किस ना एक्टिंग में जान डाल दूंगा। शरीर में जान है नहीं, पजामे में नाड़ा नहीं। देखो अंकल मेरी बात सुनो, एक्शन वैक्शन होगा आपसे कि नहीं? एक्शन नहीं, साफ सुथरी फिल्म बनानी है। देखो के साहब, एक एक्टर एक अच्छे एक्टर की फीलिंग समझ सकता है। तो प्लीज आप मेरी सिफारिश कर दो कि ये मेरे साथ फिल्म कर रहे। कर दो यार, हो सकता है इनकी आखिरी इच्छा हो। चल ठीक है चड्डा साहब, जो भी आपको ना, आप घुटनों में बैठ के तब्बू को प्रपोज करो, ये सीन है। सोच लो, नीचे तकिया रख लो घुटनों के नीचे, उठना भी जमीन को घुटना चुभेगा नहीं। सारे तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां सांदा, कितने आदमी थे मेरे पास, मां है तू तक तू तक तू। देखो मैंने कितने सारे बोल दिए हैं जो आपको चाहिए डायलॉग रहा। देखिए साहब चाकू आप लाए हैं कि मैं अपना लेके आऊं? मेरा फोन आ रहा है। अरे जल्दी जाओ, कट जाएगा फोन। सर सॉरी, आप ही ने ये बिगाड़े हैं। मैं सच्ची है, मैंने बहुतों को बिगाड़ा है वैसे लाइफ में ना, मैं अभी तंग आ गई हूँ सच्ची। पर इनकी लाइफ में चाम आ गया एक, ये मतलब
कई तो इसी चक्कर में 10-15 साल ज्यादा निकाल गए। तेरे को तेरी खुद की बेटी माँ नहीं बोलती, तेरे बच्चे कहाँ से हो गए वो? अरे तेरे को किन्होंने बताया कि ये हमारे घर में आने वाले हैं? मेरे तोते ने। मेरा तोता रैंबो। इनफैक्ट क्या है ना, मैं तुम्हें बता दूँ। इनफैक्ट मुझे तो इन्होंने इनके डेब्यू से एक साल पहले ये बताया था कि इंडस्ट्री को दो बेहतरीन एक्टर मिलने वाले, और बोलो मिल भी गए। वाओ, तबू और मेनन। मेरी तबस्सुम कैसी हो? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। चश्मे बद्दूर पूरी नजर से तुझे बचाए। आप दुबले हो गए। क्या करूं, बहुत सताते ना ये ना सिर्फ ये देता है, चकना नहीं देता है। कैसा है? बहुत बढ़िया। ओए क्या एक्टर है सिद्धू जी, फाड़ू एक्टर है, फाड़ू।